नमस्कार दोस्तों, बिग ब्रेकिंग न्यूज। जैसा कि आज सुबह एक आदेश जारी हुआ था, उसमें सभी विभागों के द्वारा तबादलों से रोक हटा दी गई है। जानते हैं कौन कौन से विभाग इसमें शामिल है और क्या रहेगी इसकी आवेदन की प्रक्रिया। तबादलों से हटा प्रतिबंध, ऑनलाइन होंगे आवेदन। राजस्थान सरकार प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग 15 सितंबर 2020 को यह आदेश जारी हुआ। इस विभाग के द्वारा जारी संसंख्यक आज्ञा दिनांक 10 सितंबर 2019 के द्वारा राजकीय अधिकारियों कर्मचारियों के स्थानांतरण पदस्थापन पर लागू प्रतिबंध आज दिनांक 15 सितंबर 2020 से 31 अक्टूबर 2020 तक हटाया जाता है। किन शर्तों के अधीन होंगे ये आवेदन? राज्य में कोविड-19 की स्थिति को मद्देनजर रखते हुए स्थानांतरण के लिए आवेदन का प्रार्थना पत्र संबंधित विभाग की वेबसाइट या पोर्टल पर ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे, यानी कि किसी भी कंडीशन में ऑफलाइन आवेदन नहीं करना है आपको। जो भी विभाग के द्वारा पोर्टल या ऑनलाइन प्रक्रिया रहेगी वही आपको फॉलो करनी होगी। इस अवधि के लिए किए जाने वाले स्थानांतरण में राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा लागू की गई आचार संहिता की भी पूर्णतया पालना की जाएगी। या जिस क्षेत्र में निर्वाचन होना है, अगर उन कार्मिकों की निर्वाचन में ड्यूटी लग रखी है तो उनको रिलीव निर्वाचन के बाद में ही होना होगा। अब देखते हैं विभाग के द्वारा भी कुछ टेबल जारी हुई है, जिसमें निर्धारित तिथियां दे रखी है कि कब से कब तक आवेदन। माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा 16 सितंबर को ये आदेश जारी किया गया है, जिसमें यह एक डेट चार्ट जारी किया गया है कि प्रधानाचार्य एवं प्रधानाध्यापक के जो आवेदन है वो ऑनलाइन 17 सितंबर से 21 सितंबर 2020 तक किए जाएंगे, जबकि व्याख्याता के आवेदन 22 सितंबर 2020 से 25 सितंबर तक आवेदन करने होंगे, जबकि वरिष्ठ अध्यापक द्वितीय श्रेणी के आवेदन 5 अक्टूबर से 9 अक्टूबर के बीच लिए जाएंगे। स्थानांतरण है तो ऑफलाइन आवेदन पत्र किसी भी कार्यालय या सचिवालय स्तर पर स्वीकार नहीं किए जाएंगे, केवल ऑनलाइन आवेदन पर ही विचार किया जाएगा। इसके अलावा एक कंडीशन और भी दी है कि यह मात्र आवेदन करने की प्रक्रिया मात्र है, इसको ये आप केवल स्थानांतरण का अधिकार न मान ले। ऑनलाइन आवेदन के बिना भी विभाग के द्वारा या छात्र हित में या राज्य हित में विभाग के द्वारा आवश्यकता अनुसार किसी भी कार्मिक या अधिकारी का स्थानांतरण करने के हेतु स्वतंत्र होगा। तो इस प्रकार ये डेडलाइन जारी कर दी गई है विभाग के द्वारा। ऑनलाइन प्रक्रिया हालांकि अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन जैसे ही स्टार्ट होगी संपूर्ण प्रक्रिया आपको वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करवा दी जाएगी। थैंक यू।